टीवी पे रोजाना आने वाली एक मूवी है जिसका नाम है सूर्यवंशम। मुझे नहीं लगता कि इसमें से आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सूर्यवंशम मूवी ना देखी हो। दरअसल सूर्यवंशम की एक रियल कहानी अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है और ये जो न्यूज़ है ये कम से कम 10 दिनों से लगातार वायरल हो रही है। कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को देखते हुए जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें दरार पड़ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि मूवी कुछ अलग होती है और रियलिटी कुछ अलग होती है। मतलब बहुत से नारे लग रहे हैं, कोई कहता है कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, कोई कहता है कि पत्नी जो है तब तक पति के साथ रहती है जब तक उसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता। पति जब अमीर बनता है तो अपनी पत्नी को रानी बना के रखता है, वहीं पर जब पत्नी अमीर हो जाती है किसी ऊंचे अहदे पे पहुंच जाती है तो अपने पति को ही एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसी बहुत सी न्यूज़ें, ऐसी बहुत से कीवर्ड, ऐसी बहुत सी जो बातें हैं, बहुत से मेम्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से कमेंट भी किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मैटर क्या है, क्या है इनकी पूरी कहानी, और अभी इसकी जो जांच है वो कहां तक पहुंची और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेल हैं उनका नाम है आलोक मौर्य और जो फीमेल हैं उनका नाम है ज्योति मौर्य। इन लोगों की शादी 2009 में होती और ये लोग यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ का मैं हूँ। इनकी शादी 2009 में एक अरेंज मैरिज के हिसाब से हुई। कुछ लोग इसे लव मैरिज भी बता रहे हैं, अरेंज मैरिज भी बता रहे हैं, खैर वो कोई विषय नहीं है। शादी हो चुकी, शादी होने के बाद पति पत्नी में एक जो अटूट संबंध, अटूट बंधन होता है, एक ट्रस्ट होता है, वो सारा कुछ बिल्ड रहा। आलोक मौर्य हैं वो एक फोर्थ क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो, और इनकी जो पत्नी है वो पढ़ने में ठीक ठाक थी और इसी वजह से पत्नी ने आगे और पढ़ने के लिए अपनी जब इच्छा जाहिर की तो आलोक ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। और आलोक के द्वारा ये भी बताया गया कि उनकी पत्नी की पढ़ाई में उनके पिता का, उनके पूरे परिवार का, उनके पूरे रिश्तेदार का, उनके भाइयों का भी अहम सहयोग था। आलोक अपनी पत्नी को कोचिंग कराने के लिए इलाहाबाद लेके आते हैं। इलाहाबाद में जो कि एक हब माना जाता है, वहाँ पर आलोक ने एक महंगी सी कोचिंग देखी जो कि अच्छी कोचिंग थी, वहाँ से अपनी पत्नी का एडमिशन करवाया। आलोक का कहना यह है कि उन्होंने कुछ पैसे अपने पास से लिए, कुछ पैसे रिश्तेदारों से लिए, कुछ कर्ज लिया, कुछ लोन लिया, बहुत सी बातें उन्होंने कही कि हमने उस कोचिंग का जो पैसा है वो इकट्ठा करने के बाद इनका एडमिशन करा, इनकी पढ़ाई चालू हो गई। ज्योति मौर्य ने जम के पढ़ाई करी, पढ़ाई इनकी रंग लेके आई और 2015 में ये 19वीं रैंक से पीसीएस अधिकारी बन गई। और अधिकारी बनी, सब कुछ ठीक रहा, इनके गांव में जश्न मनाया गया। आलोक जी का यह कहना है कि हमारी पूरी जो फैमिली है वो पूरी खुश थी, पूरे रिश्तेदार खुश थे और गांव में लोग कह रहे थे कि नहीं हमारी बहू ने आज गांव का नाम रोशन किया है, काफ़ी वाहवाही हुई, मिठाइयाँ बांटी गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आलोक मौर्य जी का कहना है कि कहानी ख़राब होती है 2020 से, जब ज्योति जी का ट्रांसफ़र होकर बरेली एक चीनी मिल में आता है। वहाँ पर एक दूसरे शख्स से ज्योति मौर्य की पहचान होती है और वहीं पर कहीं ना कहीं आलोक को अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है और आलोक अपनी पत्नी से ये चीज़ कहते भी है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही। और उनकी पत्नी ने आलोक से ये कहा कि ये सिर्फ मेरा जस्ट एक फ्रेंड है। बातें शक तक ही थी, कंफर्म नहीं हुआ था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आलोक जी का ये कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को रंगे हाथों एक होटल से एक साथ उतरते हुए देखा। सामने आलोक जी खड़े हो गए, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो, तो पत्नी ने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने टोकने वाले। तो वहीं पर आलोक और उनकी बीवी की थोड़ी सी बहस होती है और आलोक जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारे दो बच्चे हैं, तुमको शर्म नहीं आती, तुम ये सब क्या कर रही हो, मतलब जो भी आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। आलोक और ज्योति के बीच में वहीं से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 2021 में आलोक जी कुछ तारीख बताते हैं, शायद 21 फरवरी, वो कहते हैं कि इन्होंने अपने आवास पर इनको रंगे हाथों पकड़ा और जो कहते हैं ना कि जिस अवस्था में पति को नहीं देखना चाहिए उस अवस्था में पति ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा। अब जो सिचुएशन थी वहाँ से रिश्ता जो है पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ गया। अब क्या हुआ कि आलोक ने इनकी शिकायत दर्ज की। अच्छा, शिकायत जब दर्ज की तो ये होता है कि अगर कोई भी बंदा एडल्ट्री होता है, मानी एडल्ट होता है, तो वो अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अपने फैसले वो ले सकता है। लेकिन वहीं पर केस ये भी निकल करके आता है कि अगर कोई बंदा इतना सक्रिफाइस करके आपको इतना ऊपर पहुंचाता है, उसके बाद में अगर आप उसके साथ ऐसा करते हो तो उसकी सजा क्या है। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे और ये एक जांच का विषय है। उसके बाद में क्या होता है कि आलोक के ऊपर, यानी आलोक के ऊपर उल्टा है, उनकी पत्नी जो है दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर देती हैं। यानी वो कहती हैं कि जब हमारी शादी 2009 में हुई थी तब से हमसे दहेज मांग रहे थे। अब जो लोग समझदार हैं उन्हें पता ही होगा, अब वो अपने पति के ऊपर दहेज का केस लगाने के बाद उसे कहती हैं जितनी भी जांचें हैं रुकवा दो वरना हम तुम्हें मरवा देंगे। ये उनके पति के शब्द हैं जो कि उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया है। और आलोक जी ये भी कहते हैं कि उनका जो भाई, यानी कि ज्योति का जो भाई है, एसडीएम ज्योति का जो भाई है, वो भी आलोक के पीछे हमेशा लगा रहता है, गोली लेके लगा रहता है, गन लेके लगा रहता है, और वो कहता है कि हम मार देंगे।
आलोक जी अपनी सिक्योरिटी की बात भी करते हैं। आलोक जी ने कुछ ऐसी फाइल्स निकाली हैं, कुछ ऐसे रजिस्टर निकाले हैं जहां पर करप्शन के केसेस नजर आते हैं। मतलब ज्योति ने कितना करप्शन कब किया कब नहीं किया उसकी सारी डिटेल जो है वो आलोक जी निकाल करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जाँच कमेटी को दे रहे हैं ताकि इसकी अच्छे से जांच हो सके और जो सच है वो लोगों के सामने आ सके। मिली सारी जानकारी के हिसाब से जो भी सोशल मीडिया पे निकल करके आ रहा है उसमें से सिर्फ एक चीज़ जो कि थोड़ी सी हजम नहीं होती कि उस भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है, कहां तक सही है कहां तक गलत है वो तो एक जाँच कमेटी जब भी होगा तब पता चलेगा। एक लड़की जो कि SDM के पद पर, SDM का जो पद होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो है अब उसके ऊपर कार्यवाही क्या होती क्या नहीं होती। लेकिन जो SDM साहिबान है अपने पति के ऊपर दहेज का आरोप लगाया है कि हमसे दहेज मांगते हैं, ये बात थोड़ी सी हमारी क्या आप में से किसी के भी जहन से नहीं उतरेगी कि जो बंदा आपको पढ़ाता है, जो बंदा आपको लिखाता है, आपकी परवरिश करता है, आपको आपको वो सब कुछ देता है जो आपको चाहिए, और SDM की तैयारी कराना कोई मामूली बात नहीं होती है। ठीक है, उसमें कितना खर्चा लगता है कितना पैसा लगता है हम सभी को पता है। हम लोग हमारे माँ बाप हमें नहीं करवा पाते। उसके बाद में वो एक पति जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करने के, भाई इतना बड़ा अगर कोई कदम उठाएगा तो बिना ट्रस्ट के नहीं उठाएगा, उसने आपके ऊपर भरोसा किया, भरोसा करने के बाद आपको इतनी बड़ी तैयारी करवाई और आज आप उसे बोलती हो ये मेरे से दहेज मांगते हैं, और आज आप 13 साल बाद ये बोल रही हो कि आपके पति आपसे दहेज मांगते हैं। ये सवाल लोगों का है, सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये सवाल ट्रेंड कर रहा है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इस कहानी के बारे में कितना पता है और इस कहानी में और आगे क्या होने वाला है। बहुत से ऐसे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि SDM को पद से हटा दिया गया, तो भाई अभी पद से नहीं हटाया गया है और पद से हटाना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक एडल्ट्री का केस है, करप्शन के केसेस निकल करके आते हैं वो साबित हो जाते हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन सोचो कि एडल्ट्री के केस में SDM पद से हटा दिया जाए तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता। आलोक की पत्नी ज्योति का जिस शख्स से संबंध बताया जा रहा है वो शख्स एक शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद जो शख्स की पत्नी है वो आलोक जी से बात करके कहती है कि भाई साहब इन्हें रोक दिया जाए क्योंकि इन दोनों की गलतियों से हमारा घर जो है वो बर्बाद हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि अब इसे जमाना कह लें या फिर कुछ फितूर कह लें, मेरी समझ के तो बाहर है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।